सरायकेला खरसावा के वरिष्ठ पत्रकार बसंत साहू की गिरफ्तारी मामले में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद अर्शी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में एसोसिएशन द्वारा पत्रकार बसंत साहू के साथ न्याय करने और मामले की जांच की मांग की गई है, जिस पर आरक्षी अधीक्षक ने गहन समीक्षा कर पत्रकार के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्याय करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि पुलिस प्रशासन और पत्रकार का समन्वय पहले भी बेहतर था और आगे भी उसको उत्कृष्ट बनाने का प्रयास रहेगा। सरायकेला खरसावा आरक्षी अधीक्षक महोदय को जो है एसोसिएशन की ओर से एक मेमोरेंडम दिए हैं। मेमोरेंडम में हमने यही कहा है कि बसंत साहू के साथ जो भी हुआ है उसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पत्रकार को जो है इसमें जल्द से जल्द रिलीफ मिलना चाहिए। पत्रकार जेल में है ये अच्छी बात नहीं है, तो इसको ध्यान में रखते हुए एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज ही हम लोग इसकी गहन समीक्षा करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो है पुलिस और पत्रकार का जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है खराब ना हो और उसके साथ बिल्कुल न्याय होगा। अच्छा, काला बिल्ला लगाया गया था पूरे झारखंड के पत्रकारों में, आज ये काला बिल्ला नहीं है, क्या वजह से? आज एसपी साहब का कहना था कि आप लोग जो काला बिल्ला लगा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम आपको ये इतना ज़रूर बोलेंगे कि इसमें न्याय होगा और जब न्याय वाली बात हम कर रहे हैं तो वहाँ विरोध वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि न्याय जहाँ पर होगा वहाँ विरोध तो होगा नहीं। जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं मिला था न्याय का तब तक हम विरोध में थे। हम लोग ये विरोध कर रहे थे कि जब तक वो रिहा नहीं होंगे तब तक जो है हम लोग काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जैसी बात आज हुई है हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द बसंत साहू हम लोग के बीच होंगे। तो पूरे झारखंड के पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे आप? हम पूरे झारखंड के पत्रकारों के लिए इतना ही बोलेंगे कि हम लोग छोटी मोटी बातों को भूल कर जितने भी पत्रकार गुटों में जो बटे हुए हैं हम लोग सब एक छत के नीचे आए, हम लोग एक रहें और पत्रकार का कोई भी विषय होगा तो AISM संगठन को छोड़ के पत्रकार के लिए खड़ा रहेगा। वो पत्रकार चाहे किसी भी संगठन का हो, AISM जो है उसके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ज्ञापन सौंपने वाले में मुख्य रूप से एसोसिएशन के बिहार झारखंड प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया कोल्हान, प्रभारी अमित मिश्रा कोल्हान, अध्यक्ष शंकर गुप्ता, सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष रविकांत गोप तथा अभिजीत सेन शामिल थे। की तरह है पुलिस प्रशासन, पत्रकार, न्यायपालिका, विधान पालिका, हम लोग सब चारों स्तंभ हैं इस देश के। तो अगर जाने अनजाने में अगर किसी से गलती होती है तो उस पर बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए और आज वाले मामले में बसंत साहू के मामले में ऐसा ही कुछ आश्वासन हमारे माननीय SP साहब मोहम्मद अर्शी द्वारा दिया गया, जिसके बाद हम लोग ये पूर्ण आश्वस्त हैं कि उनका कदम न्यायपूर्ण होगा हमारे लिए। पत्रकार चाहे किसी भी संगठन से हो, सब संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है कि बसंत साहू की जल्द से जल्द रिहाई। बसंत साहू की पिछले दिनों COVID-19 का आरोप लगाते हुए उनके ये DC साहब जो है कि सरायकेला के उनका मामला दर्ज करके उनको जेल में डालने का काम किए, ये कहीं न्याय उचित नहीं है। पत्रकार और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं और हमेशा जो है कि एक दूसरे के हित की कार्य करते रहते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और आज हम लोग SP साहब से बात किए हैं मोहम्मद अर्शी से और हम लोग मांग पत्र भी सौंपे हैं। उनका कहना है कि जो भी होगा न्यायोचित आगे की कार्रवाई होगी ताकि कुछ राहत मिल सके। सरायकेला राजनगर से रविकांत गोप की रिपोर्ट।